इसका तो कोई सलूशन भी नहीं है ना, दिक्कत तो है इनका। आपकी क्या दिक्कत होगी? टायर पंचर है यहाँ पे, अगर फंस गए तो मिनिमम 4-5 घंटे तो लगेंगे सर। आगे ना दो बाइकों का ना पंचर खराब हुआ है, लोड करवा सकते तो उनको ले जाना, बिकॉज ना 5 घंटे से रुके वहाँ पे बेचारे। अबे रोक ही रहा हूँ। इसका तो कोई सलूशन भी नहीं है ना, दिक्कत तो है इनका। आपकी क्या दिक्कत होगी? टायर पंचर है। टायर पंचर? टायर पंचर। और वो ट्यूब वाला है? ट्यूब वाला। अरे यार। दोनों? इनका भी पीछे वाला, मेरा भी पीछे वाला। ओ यार। और आगे जा भी नहीं सकते ऐसे आप? नहीं, आगे कोई ऐसा पैच भी नहीं है कि यहाँ तो छोड़ने का क्या। मैं तो सोच रहा हूँ अगर थोड़े टाइम वेट करता हूँ कि कैंपर आए। हाँ, कोई कैंपर आया तो उनका वेट कीजिए, ठीक है? नहीं तो किसी गाड़ी से लिफ्ट लेकर ना आगे या पीछे कहीं पे भी स्टे कर लेना। वैसे बाइक को तो कोई उठाया गया नहीं वैसे यहाँ पे, तो टेंट है, रात को यहीं पे है, टेंट है, तब कोई दिक्कत नहीं। या तो किसी, अगर कोई कॉन्टेक्ट है ना आपका तो किसी को बुला लो। अच्छा, आपका ही बंदा है। हाँ। आपको लग जाएंगे एक दिन और यहाँ पे, लगता तो है। कहाँ से आ रहे हो? छोटी सजेशन, आप ना प्लग वो पाने ना रख लो साथ में। पाने तो है बट वो वाला नहीं है जिससे कि टायर खुलता है। आपको तो पत्थर नहीं दिखे ना दिखे, अंदर लगे तो बस। हाँ, कवर करना बहुत जरूरी है भाई। चलो अपन निकलते। चलो सॉरी यार ब्रो, हम हेल्प नहीं कर सकते, बट चलो यार अभी हेल्प नहीं कर पाए। चलो फिर भी ध्यान रखना भाई अपना, ठीक है? आपके पास छोटा मोटा खाने को होगा? खाने को भी नहीं है यार। सुबह से? ओ यार, यार इन गाड़ी वाले से पूछ लो किसी के पास अगर हो। पीछे दो गाड़ियां आ रही हैं, पीछे। हाँ, पीछे जो हरियाणवी की गाड़ी आ रही है ना, मरून कलर की और एक वाइट कलर की सेल्टोस है। सेल्टोस है यार बेचारे, है ना यार, हमारे पास खाने का कुछ कैरी भी नहीं करन। खाने का कुछ कैरी भी नहीं करन, छोटा मोटा कुछ नहीं रखा ना हमने यार। इन दो भाइयों की होगी या पंचर, अभी देख रहे हैं कि कोई कैंपर या फिर कोई व्हीकल अगर बाइक को ले जा सके। आ तो रहा है, बोल रहे। चलो अपन निकलते हैं यार। जो हम निकलते हैं नहीं तो हम बचेंगे। हाँ जी, ठीक है भैया, ठीक है। चलो रोक लेना, रिक्वेस्ट कर लेना अगर मना भी करेगा तो। चलो, मना तो वैसे ये लोग करते नहीं है। हाँ, मना तो नहीं करेंगे। चलो ठीक है, ओके ब्रो। टाइम होता तो हम भी रुकते हैं, हेल्प करते हैं यार। कोई नहीं, आप लोग यार डेलाइट में जब तक हो। ठीक है ठीक है, चलो निकलो निकलो यार, अपन निकलते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं। चलो ओके ब्रो, ठीक है। चलो ओके ब्रो। सो सॉरी फॉर दीस गाइस, इनकी हेल्प हम कर नहीं पाए क्योंकि यार इनका पंचर लग नहीं सकता और इनकी व्हीकल हम किसी तरीके से ले जा नहीं सकते। यहाँ पे अगर फंस गए तो मिनिमम 4-5 घंटे तो लगेंगे तुम्हारे। अगर हम यहाँ फंस गए तो 4-5 घंटे या पूरा एक दिन भी जा सकता है। तो हमें अभी डे लाइट में जितना हम कवर कर सकते हैं हम करेंगे, नहीं तो हम भी फंस जाएंगे। जितना नहीं भाई, जो बंदे ने बोला था वहीं पे रुक जाएंगे हम। वहीं पे रुकेंगे, मतलब वहां से करना ही करना है जो एक बंदे ने हमें एक लोकेशन बताई थी। ठीक है, रास्ता ही पकड़ लिया हमने तो। रास्ता देखो जरा, ये क्या है? ये पत्थर है, इधर पत्थर है, उधर पहाड़, इधर पहाड़, क्या है? कुछ नहीं। ब्रो सर, आगे ना दो बाइकों का ना पंचर खराब हुआ है, अगर लोड करवा सकते तो उनको ले जाना, बिकॉज ना 5 घंटे से रुके वहाँ पे बेचारे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो गाइस, आने अभी उन कैंपर वाले को बोल दिया था कि उन गाड़ी में ले जा देंगे यार, इनका कैंपर खाली होगा, उनको ले जाएंगे। बस ये दिक्कत ये होगी कि चढ़ाना मुश्किल हो जाएगा कैंपर की हाइट देख। चढ़ाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कैंपर बहुत बड़ा है। कैंपर की हाइट देख रहे हैं, नहीं नहीं ये हेल्प कर देंगे, ये है कर देंगे। पता है ऐसी एक सीन हुआ था जब
देखा मैंने उसका, देखा है ना वीडियो। बट ब्लू बाइकर का नहीं हुआ था, वो किसी और का हुआ था। हाँ मतलब किसी और का हुआ था, वो बाइकर ने हेल्प करी थी। बेचारे को बिठाया, क्या क्या नहीं करा, सब कुछ करा उसके लिए भाई। भाई करना पड़ता है, करना पड़ता है साला, अपने को भी कभी पड़ सकता है ऐसा भाई। सो लाइक इन माउंटेन रेंज लाइक किसी को हेल्प करना बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज ऐसे टाइम पे लाइक अगर आपका कोई पंचर हो जाए, कोई भूखा हो या कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी का, मतलब मिसहैप जो भी हो जाए, तो काइंडली प्लीज़ हेल्प यार, बी अ बिग पर्सन एंड ट्राई टू हेल्प। बिकॉज हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास हेल्प करने के लिए, सो वी हैड टू कम। तो फिर हमने अभी कैंपर वाले को बोल दिया है कि वो प्लीज़ उनको कैरी कर लेना, बिकॉज़ वो 4-5 घंटे से वहाँ पे वेट कर रहे थे और आई थिंक वो भूखे भी थे। तो होपफुली इनको कैंपर वाला ले जाए यहाँ से।